ये है माइकी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन बेंच डिफेंस बाय एग्जाम। तो गाइस, मैं सोनल अग्रवाल आपकी रीजनिंग फैकल्टी आप लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बेंच डिफेंस। सो गाइस, आज का सेशन है आपका एफकेट 2022 के लिए, जहां पे आपका रीजनिंग जो है वो आपका यूट्यूब पे स्टार्ट हो चुका है। और आज आपका पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के साथ साथ लेकिन आज हम बहुत चीज आप लोगों को बताने वाले हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे एनालॉगी के बारे में, जो आपकी वर्बल एनालॉगी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, शेयर करना है इस सेशन को, लाइक करना और सब्सक्राइब करना है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बेंचर डिफेंस। निवेदिता जय भंडारिया पांडा, रोहित चौहान, विजेंद्र चौधरी, जय हिंद, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं, एक बार कमेंट कीजिए, देन उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन के सेशन में कुछ ज्यादा महान कार्य तो नहीं करने वाले, बस आपको जो एनालॉगी है, एनालॉगी में आपकी जो वर्ड एनालॉगी है उसके कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। और कल से आपके इन सबके वर्ड एनालॉगी के क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो आज आपका इंट्रोडक्शन है वो आपका वर्बल के लिए, वर्बल रीजनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनालॉगी और क्लासिफिकेशन ये दोनों के दोनों जो आपके टॉपिक है आज की क्लास से कुछ हद तक आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इति श्री, गुड इवनिंग भारत सिंह, चलो भाई, भारत भारत भारत। इति कैसे हैं, काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात करी इति हमने। एफकेट का, एफकेट जो आपका टू हुआ था, एफकेट टू 2021, आप लोगों ने कितना स्कोर किया, यहाँ पे ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने एफकेट टू 2021 दिया था, एक बार अपने स्कोर बताइए कि स्कोर कितना किया आप लोगों का। उस हिसाब से मुझे अंदाजा लगेगा कि यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे हैं जो पुराने हैं और कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एफकेट की तैयारी ही स्टार्ट करी है अभी। संजय, हाउ इज यू, बताओ जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर दो। 135 कट ऑफ कितनी गई थी, 157 गई थी कट ऑफ, 135 नेगेटिव मार्किंग अटेम्प्ट कर दी क्या निकिति। अरे मैं सीधा सीधा तुमसे कहती हूँ, रीजनिंग और मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लो। रीजनिंग और मैथ से 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन तुम्हें 150 नंबर दिला सकता है, 150 नहीं दिला सकता तो 140 दिला सकता है। एक भी क्वेश्चन गलत मत करो। उसके बाद आओ जीएस और इंग्लिश पे, नेगेटिव मार्किंग अटेम्प्ट ही नहीं करनी। यदि जीएस एंड इंग्लिश का तुम 25 क्वेश्चन भी सही कर दो तो 25 से 75 तो कितना आ गया, 7 और 4 11, 215 नंबर आपके बन रहे हैं भाई डायरेक्ट। 215 में से भी चलो मैंने मान लिया कि 200 नंबर आ जाएंगे तुम्हारे। क्यों एक अपनी स्ट्रेटेजी बना के अपनी क्लास को नहीं करते हो, क्यों अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो। जब भी आप किसी टॉपिक को रिवाइज करो या किसी सब्जेक्ट को रिवाइज करो तो कम से कम सोच के चलो ना, स्ट्रेटेजी नहीं है बिल्कुल भी। एफकेट का पेपर नहीं निकाल रहे हो, 135 नंबर तो कुछ भी नहीं होते इतना पढ़ाने के बावजूद भी, और तुम लोग इतना पढ़ते हो उसके बाद 135 कुछ भी नंबर नहीं है। 135 का मतलब आप समझते हो कितने क्वेश्चन आपके सही थे बस। फाइटर प्लेन के लिए पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है भाई 135 तो यार भाई सही में हद हो गई। मान ले 45 क्वेश्चन सही है, 100 में से 45 क्वेश्चन क्या होते हैं, कुछ भी नहीं। ये तो तुम्हारी रीजनिंग और मैथ ही हो जाएगी 45 क्वेश्चन में। तो चलो आज में हम बात करेंगे एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में, एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन के बारे में, वो भी वर्ड मतलब वर्बल रीजनिंग के बारे में हम बात करेंगे। वर्बल रीजनिंग में इन दोनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो एनालॉगी क्या होता है आपका, जो एनालॉगी होता है वो आपका क्या होता है,
सिमिलैरिटी का रूल प्ले करता है। किसका? सिमिलैरिटी का रूल जो है वो आपका प्ले होता है। जैसे ए का रिलेशन यदि आपका बी के साथ है तो वही सेम रिलेशन आपका सी का डी के साथ होगा। रिलेशन जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। किसी भी टाइप के आपके वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है ऑड वन आउट, विषम आपको ढूंढना होता है। मान लीजिए ए बी सी और डी आपके चार ऑप्शन है, तो आपको ढूंढना है कि इन चारों में से एक ऐसा कौन सा होगा जो इन सबसे बिल्कुल अलग होगा। ये सब रूल प्ले होते हैं आपके एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन में। तो एनालॉगी के लिए आप लोगों को, क्लासिफिकेशन के लिए किस चीज की जरूरत होती है वो अब हम आपको बताएंगे। ये होता है आपका, इन सब चीजों की जरूरत होती है। आपको हर एक देश की, कंट्री की कैपिटल पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, अफगानिस्तान एंड काबुल। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो सीधा सीधा ये आ सकता है कि जो अफगानिस्तान है वो काबुल से रिलेट करता है, तो नेपाल किससे रिलेट करेगा। जस्ट लाइक काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, सम मोर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कंट्री एंड कैपिटल, कौन सी कंट्री है जिसकी कौन सी कैपिटल होगी। कंट्री एंड कैपिटल सबको याद होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। जब मैं कल से एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस कराऊंगी तो मैं ये स्लाइड आप लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। तो फोकस कर लेना आज। इति लेट्स सी, नहीं किया ना तो तेरी हड्डियां ही मैं तोड़ूंगी सबसे पहले तो, ठीक है। सो अफगानिस्तान, जैसे काबुल जो अफगानिस्तान है वो आपकी कंट्री है, उसकी कैपिटल कौन है? काबुल। तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, इराक, ये सारी की सारी आपको क्या करनी है? कैपिटल याद करनी है, कौन से देश की कौन सी कैपिटल है, हेल्प करेगी ये आप लोगों की। अरे 14 को सीडीए से थोड़ी सी बाद में स्टार्ट करनी चाहिए। मुनीश क्या करूं फिर बता, बाद में स्टार्ट कर दूं, दिवाली के बाद छोड़ दूं? बता, तू तो मुझे भगाने की बात कर रहा है सीधा सीधा मनीष। चलिए जाओ बंद करके क्लास को। देन आफ्टर दैट क्या है? स्टेट एंड कैपिटल, अपने देश की हर एक स्टेट के बारे में पता होना चाहिए और कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है आपकी मुंबई। महाराष्ट्र क्या स्टेट है और मुंबई क्या है आपकी कैपिटल है। तो हर एक स्टेट की कैपिटल आपको लिख रही है, जो नहीं लिख रही है उसको आप देख लेना, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। मैम पार्टी दो, कन्यादान लेके आ जाइए, मैं पार्टी दे दूंगी, ठीक है। अभिषेक गुप्ता, चलिए क्लियर है। तो आपको हर एक स्टेट की कैपिटल पता होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, इन सबको याद कर लेना। मैं बार बार आपको ये स्लाइड नहीं दिखाने वाली। देन क्या क्या जरूरत होती है? कंट्री एंड करेंसी आपको पता होनी चाहिए। कितने क्वेश्चन कंट्री एंड करेंसी से हमेशा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इस देश की यदि ये करेंसी है तो इस फलाना देश की कौन सी करेंसी होगी। लाइक इंडिया की जो करेंसी है वो है रूपी, बर्मा की क्या होगी? क्या यूएसए की डॉलर होती है, थाईलैंड की भट होती है, स्पेन की पेस्टा होती है, नीदरलैंड की गिल्डर होती है, इराक की दिनार होती है, चाइना की युआन होती है। तो ये सब आपको कंट्री की कैपिटल, सॉरी करेंसी आपको पता होनी जरूरी है। विजेंद्र चौधरी, हाँ जी कंप्लीट बैच आएगा आपका यूट्यूब पे एफकेच के लिए, रीजनिंग का मैं कह सकती हूँ। मैथ का भी स्टार्ट हो जाएगा, जीएस एंड इंग्लिश भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी आपकी। चलो मैंने मजाक ज्यादा कर दिया, मजाक बंद करते हैं। पहले तो लाइक करो सेशन को, नहीं तो अगली स्लाइड नहीं दिखाऊंगी मैं। ये शेयर क्यों नहीं करते तुम सेशन को? है इतनी मेहनत से हम आपको पढ़ाते हैं, सारी चीजें आप लोगों को करवाते हैं, लेकिन आपका क्या होता है, गोलमाल हो जाते हो। तो मैम कंप्लीट एफकेट रीजनिंग करवाओगे क्या? भाई ये कपिल, ये तो एक गलत ही क्वेश्चन है। मैं हमेशा रीजनिंग एफकेट की कंप्लीट ही कराती हूँ। मेरे को यदि जाना जाता है ना, वो एफकेट और एसएससी की रीजनिंग से ही जाना जाता है। एफकेट में तो पता नहीं बच्चे यही कहते हैं मेरे से ही पेपर बनता है, लेकिन मेरे को तो पता नहीं भाई। मैं तो कह नहीं सकती कि मेरे द्वारा ही पेपर बनाया जाता है, लेकिन अब क्वेश्चन आ जाते हैं लगभग। यदि आपके 32 क्वेश्चन है तो 27-28 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए में आ जाएंगे, यदि आपने हर एक क्लास को ध्यान से देखा होगा। मुश्किल से एक घंटे की क्लास होती है, एक घंटा तुम घूमने घामने में लगा देते हो, बातों में लगा देते हो। इससे अच्छा है कि क्लास को अटेंड कर लो, ज्यादा फायदा होगा।
कंट्री एंड कैपिटल हो जाएगा आप लोगों से, देन आफ्टर दैट है आपका इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। जैसे बैरोमीटर क्या है, आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, वो किसके लिए मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, इज अ प्रेशर के लिए। तो जो आपका बैरोमीटर है वो आपका इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको मेजर करने के लिए, किस चीज का मेजर करते हैं वो मैंने साइड में लिख रखे हैं, तो वो आपको क्या करना है, एक बार देखना है, देखने के साथ साथ याद करना है। मैम कब से होगा स्टार्ट? हो गया आज से स्टार्ट। डेली जो क्लासेस का टाइमिंग होगा वो होगा आपका 5 PM पर, आपकी डेली क्लासेस का टाइमिंग होगा। किस चीज का, मैं भूल गई, किस चीज का होगा, एफकेट 120-22 की रीजनिंग का आपका डेली क्लासेस का टाइमिंग है 5 PM, ठीक है। तो डेली आना है आप क्लास में, यदि डेली नहीं आओगे मैं तो क्लास बंद कर दूंगी। फिर ये मत कहना कि मैम आपने कोर्स कंप्लीट नहीं कराया, आज से तैयारी करोगे ना तो जब भी एफकेट की रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पाओगे। 32 क्वेश्चन आते हैं तो 32 के 32 क्वेश्चन सही करके आने हैं, इसलिए कह रही हूं दिमाग यहां पे होना चाहिए आप लोगों का, बोर्ड पर, ना कि इधर उधर की बातों पर। अरे बेटा फाइटर प्लेन पायलट बन जाइयो, फाइटर पायलट बन जाइयो, ठीक है, मैं ही बनवा देती हूँ तेरे को, ठीक है। क्वांटिटी एंड यूनिट, जैसे लेंथ जो है, लेंथ आपकी जो एक क्वांटिटी है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, मीटर इज द यूनिट ऑफ मेजर लेंथ। वैसे ही किलोग्राम जो होती है वो यूनिट होती है किसकी, मास की, एनर्जी रिलेटेड टू जूल, जूल इज द यूनिट ऑफ मेजर एनर्जी। तो ये सारे के सारे आपकी क्वांटिटी एंड यूनिट है, क्लियर है। क्लियर है या नहीं है मूर्खो? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इंडिविजुअल एंड ग्रुप। जैसे सेलर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ सेलर इज कॉल्ड क्रू। यदि सेलर है तो सेलर के ग्रुप को क्या कहा जाएगा, क्रू कहा जाएगा। कैटल्स के ग्रुप को क्या कहा जाएगा, जैसे बहुत सारी कैटल्स जा रही है तो उस कैटल्स के ग्रुप को क्या कहा जाएगा, अ ग्रुप ऑफ कैटल्स इज कॉल्ड हर्ड, ठीक है। अ हर्ड ऑफ कैटल, ऐसे हम लिख सकते हैं। बीज, बीज का क्या कहते हैं, स्वान। ग्रेप्स का बंच, बंच होता है गुच्छा। जैसे चाबियों का भी क्या होता है, गुच्छा होता है। जब आप कहते हो ना कि बहुत सारी चाबियां होती है, अरे चाबी का गुच्छा देते हैं मम्मी, मम्मी अपने घर में मम्मी या पापा को कहते हो, सुना होगा चाबी का गुच्छा रखा है। तो इज अ बंच ऑफ की, अ बंच ऑफ की मतलब चाबियों का गुच्छा, ठीक है। जितने भी ग्रुप में जितनी भी चीजें होती है उन सब का आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है किसको क्या कहा जाता है। 2 साल से रेगुलर है अक्षय, नंबर कितने हैं तेरे अब की बार। रिया, इति, नेक्स्ट है आपका एनिमल एंड यंग मैन। गांव के बच्चों को क्या कहा जाता है, काफ। बकरी के बच्चों को क्या कहा जाता है, किड कहा जाता है। बकरी के बच्चों को किड कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। आपके सोचते हैं ना कि किड, किड एक मतलब इंसान के बच्चों को भी कहा जाता है, लेकिन मैन, इस मैन के बच्चों को क्या कहा जाएगा, चाइल्ड। किड बोल देते हैं लेकिन वो बकरी के बच्चों को बोला जाता है, किड गोट के बच्चों को, ठीक है। तो बियर के बच्चे को कब बोला जाता है, हॉर्स के बच्चों को, बहुत सारी चीजें बोली जाती है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, एनिमल है और उनके बच्चों के नाम है, ठीक है। आफ्टर दैट मेल एंड फीमेल, जैसे ही एंड शी, वैसी मेल एंड फीमेल। डॉग का जो फीमेल वर्जन होगा वो क्या होगा, बिच। डॉग की बीवी को क्या कहा जाएगा, बिच कहा जाएगा। ड्रोन की बीवी को बी। देन कॉल्ड इज फिली, फॉक्स इज विक्सन। तो ये सारे आप लोगों को पता होने जरूरी है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अरे मनीष तो पागल हो जाएगा रे बाबा। मनीष तेरे लिए क्या करूं मैं बता, 1 घंटा ही ले ले सिर्फ रीजनिंग की क्लास, 1 घंटा ले सकता है रीजनिंग की क्लास या नहीं, ज्यादा देर नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसा करती हूँ 14 नवंबर तक, 14 नवंबर तक सिर्फ आधे घंटे रीजनिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आफ्टर 14 नवंबर में 1 घंटा आपको रीजनिंग पढ़ाऊ, क्लियर है, इतना कर सकती हूँ। बोलो, आधे घंटे तो तुम ले सकते हो ना, सीडीएस की तैयारी करना है तो थोड़ी सी एफकेट में रीजनिंग पढ़ लेना, रीजनिंग तो काम आएगी, एसएसबी के ओआईआर में काम आएगी, काम तो आएगी ना। सिर्फ आधा घंटा रीजनिंग पढ़ाती हूँ मैं आप लोगों को, बस सिर्फ 14 नवंबर तक, इस बात का ध्यान रखना, इतना कर सकती हूँ बच्चों मैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है आपका एनिमल एंड मूवमेंट, जैसे डक जब चलती है तो क्या लिखा जाता है, वेडल कहा जाता है। तो वेडलिंग इज द नेम गिवन टू द मूवमेंट ऑफ डक। रैपिड जो है वो लीप करता है, बियर जो है लंबर, एंड हॉर्स इज अ गैलोप, माउस इज कैंपर।
माउस का है, तुम तेज पे भागता है तो स्टैम्पर कहते हैं उसे हम। हैं भरत सिंह, अरे इतनी तारीफ भी मत करो मेरी, ठीक है। आफ्टर दैट एनिमल, ओए सुनो भाई सारे के सारे ध्यान से, ये सब ना याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे इसका, ठीक है। जब कल क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगी तो कल की क्लास में ये नहीं होना चाहिए, अरे मैडम ये कैसे होगा, मैं बोलूंगी ये नलायकों मैंने पढ़ाया था, कल की क्लास देखना। कपिल, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता हर एक दिन रीजनिंग की क्लास होगी, ठीक है। रीजनिंग में कुछ भी आएगा आपको हर एक क्लास में हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है, जितनी भी मैराथन आपकी ऑनलाइन बेंचेस पे होगी वो लेनी है, ठीक है। चलो, एनिमल थिंग एंड साउंड, जैसे एनिमल, जैसे लाइन की आवाज क्या होता है, लाइन क्या करता है, दहाड़ता है, रोर करता है, डोंकी क्या करता है, ब्रे करता है, हॉर्स क्या करता है, स्क्वीक करता है, कैमल क्या करता है, ग्रंट करता है, ये क्या है, आवाज है, किसकी आवाज है, एनिमल की आवाजों को बोला जाता है, जैसे मंकीज अ गिब्बर, स्पैरो चिप करता है, रेन पैटर करती है, जब रेन ऊपर से बारिश गिरती है तो पट 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 की आवाज नहीं आती, वैसी कुछ। कंप्लीट हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल थिंग एंड क्लास, मतलब जैसे लिजार्ड जो छिपकली है वो किस कैटेगरी में आती है, जो छिपकली है वो आपकी रेप्टाइल कैटेगरी में आती है, रेप्टाइल कैटेगरी में आती है, ठीक है। इसको भी देखो, ठीक है, आप पहले जो मैन है वो मैमल कैटेगरी में आता है, ऑस्ट्रिच बर्ड की कैटेगरी में, फ्रॉग उभयचर, एम्फीबियंस की कैटेगरी में, चेयर इज अ फर्नीचर, बटरफ्लाई इंसेक्ट, स्नेक, रेप्टाइल, पेन, स्टेशनरी, ये सब भी आपको देखने हैं। ओके मैम याद कर लेंगे रिया, वेरी गुड। ओ हो मनीष, मनीष रीजनिंग तो फिर भी काम आएगी, एस एस बी ओ आई आर में कैसे करोगे रीजनिंग, विदाउट रीजनिंग स्क्रीनिंग आउट हो जाओगे, क्योंकि उसके भी नंबर आपके कहीं ना कहीं एस एस बी ओ आई आर में, जो आपके ओ आई आर टेस्ट होता है वो हवा में नहीं होता है, उसके मार्क्स देखे जाते हैं। देन डॉग कहाँ रहता है, कैनल जिसे कहा जाता है कुत्ता घर, लेकिन हिंदी में वो बोल देती हूँ, तो कुत्ता घर, कैनल को क्या कहा जाता है, कुत्ता घर। तो डॉग जो रहता है वो कैनल में रहता है, डॉग लिव्स इन अ कैनल, अ बी लिव्स इन हाइव, अ ईगल इज लिव्स इन ईयरी, लायन जो है वो गुफा में रहता है, तो ये सारे क्या है, जहां भी जो भी जानवर या इंसान जहां भी रहता है उसके रहने की जगह को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। हरियाणा से है मैम, हाँ हूं तो गई मैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट एनिमल थिंग्स एंड कीपिंग प्लेस, एनिमल कहाँ पे रखे जाते हैं, जैसे लाइक कार जो होती है वो गैराज में रखी जाती है, एरोप्लेन हैंगर में रखा जाता है, जब एनिमल्स होते हैं एनिमल्स को चिड़ियाघर जू में रखा जाता है, वाइन इज अ सेलर, फिश इज एक्वेरियम, मेडिसिन डिस्पेंसरी में रखी जाती है। तो ये मैंने वो वाले आपके टॉपिक्स निकाल के बता रही हूँ जो आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन्हीं को मध्य में नजर रखते हुए ये आज की स्लाइड बनाई गई है। टीच बायलिंगुअल, मतलब हिंदी में भी बोलू, भारत हिंदी में भी बोलते हैं। मछली को किस में रखा जाएगा, एक्वेरियम, एक्वेरियम को अब हिंदी में नहीं पता मेरे को क्या बोला जाएगा, मछली पालन, ठीक है। आफ्टर दैट मतलब इसके बाद गेम्स एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग, बैडमिंटन, बैडमिंटन कहां पे खेला जाता है, बैडमिंटन इज प्लेड ऑन अ कोर्ट, बैडमिंटन जहां पे खेला जाता है उसे बोलते हैं हम कोर्ट एरिया, ठीक है। स्केटिंग जहां पे की जाती है उस एरिया को बोला जाता है रिंक, रेस कहां पे भागते हैं, ट्रैक पे भागते हैं, तो रेस इज प्लेड ऑन अ ट्रैक, ठीक है। देन वर्कर एंड टू, वर्कर एंड टू, और गुड इवनिंग आर्मी बॉय, हाँ ऐसा लग नहीं रहा है, हो गई है गलती से मेरी शादी, ठीक है, ऐसा लग नहीं रहा है, हो गई है भाई, ठीक है। वर्कर एंड टूल, एक ब्लैक स्मिथ का जो टूल होता है वो क्या होता है, आपका एनविल होता है, एनविल इज द टूल यूज बाय अ ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर का जो टूल होता है उसे कहा जाता है आर इज अ सॉ, ऑथर इज पेन, कलम ही क्रांति है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके जो भी प्रोफेशनल है या वर्कर है उनके टूल के बारे में डिस्कस किया गया है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं।
टूल एंड एक्शन। नाइफ का काम क्या होता है? कट करना। नीडल का काम क्या होता है? चुभन करना। बाइनोकुलर का काम क्या होता है? व्यू देखना। चीजल का मतलब क्या होता है? कार्व करना। चीजल होता है आपका जिससे आप मूर्तिकार, जो मूर्तिकार होता है वो अपनी मूर्ति बनाता है तो वो चीजल का इस्तेमाल करता है। तो ये सारे के सारे टूल है जिनका क्या क्या एक्शन होता है। अच्छा, बहुत दिनों बाद मेरी क्लास ले रहे हो, मैं भी बहुत दिनों बाद आपको देख रही हूँ। ठीक है, वर्कर एंड वर्किंग प्लेस। कौन से वर्कर कहाँ कहाँ काम करते हैं? फार्मर फील्ड पे काम करता है, सेलरशिप पे काम करता है, डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करता है, शेफ आपका किचन में काम करता है। तो यहाँ पे उन सब के बारे में बात की जा रही है कि जो भी साइंटिस्ट लेबोरेटरी में काम करेगा, एक्टर स्टेज पे काम करेगा, जो जुआरी होगा वो कैसीनो में क्या करेगा? अपना जलवा दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कर एंड प्रोटेक्ट। दीवार कौन बनाता है? मकान बनाने वाला मेसन जिसे कहा जाता है, वो क्या करता है? मेसन बिल्ड्स अ वॉल। ठीक है, कोरियोग्राफर क्या करता है? डांस एक नृत्य का क्या करता है? सिखाता है। एडिटर इज न्यूज़पेपर। आर्किटेक्ट डिजाइन करता है, फार्मर फसल से रिलेट करता है, कारपेंटर फर्नीचर बनाता है। देन ड्रामेटिस्ट जो होते हैं, नाटककार जिसे कहा जाता है, वो क्या करता है? प्ले करता है। तो ये सारे के सारे क्या है? वर्कर एंड उसके प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। प्रिज्म क्या होता है? ग्लास। बटर से क्या होता है? बटर किससे मिलता है? मिल्क से। वाइन किससे मिलती है? ग्रेप से। रोड किससे होती है आपकी? एस्प्लेट से। शूज किससे बनता है? लेदर से। तो ये सारे के सारे आपके प्रोडक्ट बता रखे हैं। मैम हिंदी में बताओ, एफकेट में जो लैंग्वेज यूज होती है वो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर आता है। दैट्स व्हाई मैं इंग्लिश में लेके आई हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं बोल तो मैं हिंदी में रही हूँ। चाहे मेरी जो लैंग्वेज है, जो भी मैं बोर्ड पे आपको पढ़ा रही हूँ, वो इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन बोल मैं हिंदी में रही हूँ। ठीक है, पार्ट एंड होल रिलेशनशिप। पेन इज रिलेटेड टू निब। जो पेन है, निब इज अ पार्ट ऑफ अ पेन। निब जो है वो किसका पार्ट है? पिन का पार्ट है। लेड जो है वो पेंसिल का, आर्क जो है वो सर्कल का पार्ट है। तो ये इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखा, कल की क्लास जब मैं कराऊंगी ना आपको एनालॉगी की, जितनी भी स्लाइड में आज आपको दिखा रही हूँ उसमें से 90% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मत बोलना कि मैम कैसे, पिटल हो गए मेरे से क्योंकि। नेक्स्ट, पेयर एंड शू। शू के साथ क्या होता है? सॉक्स होता है आपका। शर्ट के साथ ट्राउजर, साड़ी के साथ ब्लाउज, कप के साथ सोसर होता है, चेयर के साथ टेबल, पेंसिल के साथ आपका इरेजर होता है। तो ये क्या है? आपके पेयर है। ठीक है, पेयर के एनालॉजी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अरे भाई देखो, ऑर्निथोलॉजी जो होता है इज द स्टडी ऑफ बर्ड। तो ये है आपके स्टडी एंड टॉपिक। एंथ्रोपोलॉजी किसकी स्टडी के लिए काम आता है? मैन के लिए। माइकोलॉजी इज अ फंगी के लिए। बॉटनी आपके प्लांट्स के लिए यूज होता है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है? स्टडी एंड टॉपिक है जो आपको याद करने हैं, लर्न करने हैं। वर्ड एंड इंटेंसिटी। एंगर, एंगर इज द रेज इज ऑफ हायर इंटेंसिटी देन एंगर। एंगर का मतलब होता है गुस्सा, ऐसे वाला। रेज मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा करना। तो ये हायर इंटेंसिटी दिखाता है। स्पीक, स्पीक मतलब होता है बोलना। शाउट मतलब होता है जैसे घर में तुम्हें किसी ने डांट दिया, अरे तुम भग जा, ठीक है, मम्मी पापा ने डांट के भगा दिया। स्पीक मतलब होता है बोलना, शाउट मतलब होता है हायर इंटेंसिटी। ठीक है, धीरे मैं इसकी पीडीएफ आपको ऑनलाइन बेंच जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसमें पिंक करा दूंगी। ठीक है, वर्ड एंड सिनोनियम। देखो, हर एक वर्ड के वो कैब, जैसे मैं बात करूंगी यहाँ पे वो कैब के बारे में, वर्ड एंड सिनोनियम, वर्ड के सिनोनियम और एंटोनियम्स याद होने जरूरी है। अबॉर्ट, अबॉर्ट मीन्स ऑलमोस्ट द सेम एज ड्वेलिंग, द ड्वेलिंग इज द सिनोनियम ऑफ अबॉर्ट। ठीक है, ड्वेलिंग एंड अबॉर्ट दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है? सिनोनियम है, पर्यायवाची शब्द है। देन एंटोनियम, मैंने आपसे कहा था एंटोनियम्स भी याद होने चाहिए। अटैक मतलब होता है हमला करना, डिफेंड मतलब होता है बचाना, दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो गाइज आज की क्लास में मैंने आपको कुछ 25 स्लाइड दिखाई, अभी बहुत सारी स्लाइड बाकी है। जैसे लाइक हमने स्लाइड कर दी, फ्लैग से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन, नेशनल बर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, नेशनल फ्रूट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके वर्ड एनालॉजी में या क्लासिफिकेशन में पूछ सकते हैं, उसकी कोई भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं पूछे जाएंगे। ज्वाइन ऑनलाइन बेंच एट डिफेंस टेलीग्राम चैनल फॉर पीडीएफ एंड अपडेट। देखो भाई, हमारे मैनेजर सब कमेंट कर रहे हैं, इस टेलीग्राम चैनल को क्या करना है आपको? ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन बेंचेस के नाम से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप उसको क्या करना है? उसको ज्वाइन करना है, मजे आ देंगे तुम लोगों के। ठीक है, वहां पे हम आपको पीडीएफ दिलवा देंगे।
देखो भाई, सबसे पहली बात हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जो आपका एफकेट का एग्जाम होता है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पेपर आता है। भले मैं हिंदी में बायलिंगुअल पढ़ाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन गाइस पेपर आपका इंग्लिश मीडियम में आता है, तो इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसको एक्सप्लेन मैं कर दूंगी, उसकी वोकैब मैं बता दूंगी, सब चीजें हम आपको बता देंगे। क्लियर? कितनी स्लाइड है ऐसी? 25 ही है, कल भी और कराएंगे, ठीक है। और अभी आपकी 14 नवंबर जब तक आपका सीडीएस का एग्जाम नहीं होता, जब तक मैं आपकी 5 से 5:30 आधे घंटे की क्लास लूंगी। आधे घंटे की क्लास लेने के बाद आपकी प्रॉपर 14 नवंबर के बाद से 1 घंटे की प्रॉपर क्लास चलेगी। क्लियर है? चलिए गाइस, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।